कितने पापड़ बेले हमने, लेकिन ना घर के हुए और ना ही घाट के हुए। कितना हुआ? 2500 हुआ। किस बात के 2500? घूमने के 1500 और राज साहब बोलने के 1000 रुपए। मेरे पास तो 100 रुपए तक होंगे। साला लगता है हमारी जिंदगी लटक के ही बीतने वाली है। पहले मिस धनलक्ष्मी को पटाना, फिर शादी करके उसे मिसेस धनलक्ष्मी बनाना और हम बन जाएंगे मिस्टर लक्ष्मी नारायण। बस वाली को नहीं, कार वाली को नहीं। मिस धनलक्ष्मी मिल गई ललन भैया। ओए कौन है बे? तेरा बाप का रास्ता है? उस टकली की इकलौती बेटी को कैसे पटाऊं ये सोच रहा हूँ मैं। तुझसे होगा भी? तू शाहरुख खान है तो तू पटाएगा उसे? मिस धनलक्ष्मी तेरा नहीं, मेरी किस्मत का दरवाजा खोलेगी। वो लड़की रंजीत कपूर की बेटी है। सच्ची? शर्म नहीं आती बाप होकर बेटी पे हाथ उठाते हैं, वो भी इतनी प्यारी बेटी पर। बाप तुम्हारे डैडी है ना? ये तो शुगर डैडी है। नालायक बाप। ब्लैकमेल करेंगे और पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो? देखो जो जैसा है उसे वैसा ही ट्रीट करना होगा। भैया हम तो बुरी तरह फंस गए। मम्मी बचाइए मुझे। जिसे हम मिस धनलक्ष्मी समझ रहे थे वो तो एकदम मेंटल है भैया। एक तो ट्यूबलाइट, ऊपर से साइको जैसी हरकतें, एकदम हटेली है वो। बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना मेरी बातें सुनकर। आप हो भी इसे लायक। अंदर आ जाओ ना, अजनबियों से बात नहीं करते। ये तो चूहा है। चूहा? चूहा मतलब जो रुका गुलाम। तुम दोनों को मैंने कहां देखा है? डैडी हमें ब्लैकमेल करने की ट्रेनिंग मिल सकती है? क्या पता। मैंने ऐसा कहा था मैंने ऐसा शायद कहा होगा।